मम्मी जी अब मम्मी जी वो पैसे वो टुनू ना कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ काम शुरू करना चाहता था, आप लोगों की नजरों में इज्जत कमाना चाहता था। शाबाश बेटा, ऐसा ताना डाला तूने कि वो अपनी बहन की अंगूठी चुराने की जरूरत कर बैठा। पापा पैसे हार गए हम। अरे बेवकूफ की औलाद, हम नहीं हारे, वो हारा है वो। बेटा लो समोसे खाओ गर्मा गर्म। हाँ देखो जूस बना के लाए हैं। हाँ मेरा राजा बेटा, खा लो अच्छे से। हाँ बेटा, अब बेटा पकौड़े खाओगे, पकौड़े गर्मा गर्म अभी बना के लाते हैं तुम्हारे लिए। हाँ बेटा पूरा खाना। ओके कहा था ना वो हर है, जीते हम हैं पैसे नहीं, ये बाजी जीते हैं। इस बार ना आपका ये गेम मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। तू समझने की कोशिश भी मत कर बेटा, चक्कर आ जाएगा तुझे। तू तो बस इतना कर, मैं जो कहूं सुन और उसको मान ले। नहीं अभी इस बात तेरी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेहर का गुस्सा एकदम जायज था। मम्मी जी टुन्नू और बच्चों जैसा नहीं है, बहुत समझदार बच्चा है टुन्नू। देख अमीर, टुन्नू की उम्र के बच्चे संभल कर नहीं चलते, वो तो दौड़ने लगते हैं, और जो जितना तेज दौड़ने की कोशिश करेगा उतने उसके फिसलने के मौके भी ज्यादा होंगे। ऐसे में हमारे बड़ों का काम है उन्हें संयम में रखना, उन्हें अनुशासन सिखाना, उन्हें समझदारी सिखाना। और मेहर तो वो ही करती है। I'm sorry, मम्मी जी। वो मुझे नहीं पता था कि। मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें ये सब पता होता तो तुम सबसे पहले उसे टोकते। ध्यान रहे बेटा, आगे कभी उसे पैसे मत देना। समझ में नहीं आ रहा पापा बेबी। अपने दिमाग की खिड़की बंद रख, कुछ नहीं आएगा बेटा इसमें। तो सिर्फ इतना कर, इस ब्लैंक पेपर पे मेहर के साइन लेने के लिए टुन्नू को पटा ले। मैं 15 दिनों के लिए मकान को गिरवी रखवा दूंगा उसके, और गिरवी रखने के 50-60 लाख तो कोई खड़े खड़े दे देगा। टुन्नू को बताएंगे 10 लाख रुपए में गिरवी रखा, 50 लाख रुपए मैं संभाल लूंगा। फिर वो जो 10 लाख टुन्नू के पास होंगे तू उसे चूहे में हरवा देना। मकान वापस लेने के पैसे तो फिर कुल मेहर 15 दिनों में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाएगी। और अबीर पे इल्जाम आएगा कि उसने टुन्नू को जुए की लत लगा दी, इसलिए अबीर को पड़ेगी लात और वो घर से बाहर, और उसके बदले में मुझे मिलेंगे कुबेर मल्होत्रा से 10 लाख रुपए। जो 10 लाख का प्रसाद है वो मेरी जेब में। फिर उन 10 लाख रुपयों में पहले के 50 लाख रुपए मिला के मैं मेयर का मकान छुड़वा लूंगा, और फिर उस मकान को अपने नाम कर लूंगा। अरे पापा आप कुछ भी बोलते रहते हो, आप जाओ ना, मैं कब से मेरा वेट कर रहा है, मैं उससे बात नहीं की, आप जाओ। हाँ, हाँ, अरे यार टुन्नू सुन, मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। ऐसे आ रहे ना हम लोग अभी, मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे रिकवर करने का मस्त प्लान बनाया मैंने। सुन सुनने का पागल हो जाएगा। कितने पैसे हारे थे हम? और यहाँ उसके लिए हम मेरी प्यारी बहना देवकी, तूने मुझे एक जमीन का टुकड़ा देने से मना किया था ना, देखना
अब मैं तेरे जिगर के टुकड़े से कैसे सारी वसूली करता हूं? इतना तो बनता है। थैंक यू सुमन जी। आखिर अभी कब तक यहां इस तरह रुका रहेगा? एक और बात मैं आपसे करना चाहती थी। आपने और मैंने जो उम्मीद बांध रखी थी, मेरे ख्याल में अब उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। माधवी जी। हाँ सुमन जी, साफ नजर आ रहा है कुछ नहीं बचा अबीर और मेहर के बीच जिसे जोड़ा जाए। माधवी जी, अगर कुछ नहीं बचा होता तो जब वो गुंडे मेहर को उठाकर ले गए, अबीर इस तरह तड़पता नहीं, अपनी जान दांव पर लगाकर उसे छुड़ाने नहीं जाता। और मेहर का क्या? मेहर के बारे में भी तो सोचिए, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी तहजीब उसे एक हद से ज्यादा बढ़ने से रोकती है, वरना उसकी आंखों में साफ नजर आता है वो बहुत अनकंफर्टेबल है अबीर के यहाँ रहते। गलत, अगर वो वाकई में अनकंफर्टेबल होती ना तो अबीर के यहाँ रहने का सवाल ही नहीं उठता। सुमन जी। माँ। आप कब आए? अरे बस। बस अभी अभी आई, अबीर से मिलने आई थी। और तुझसे पूछना है मुझे कि अबीर कितना तंग कर रहा है तुझे? माँ, कोई क्यूट सा खरगोश भी कभी किसी शेरनी को तंग कर सकता है क्या? बदमाश। कैसा है? अच्छा, आप कैसे हो? चलो बस हो गया, चलो घर अब। क्या माँ? माँ की कभी बात टालते नहीं है। देखो माँ माँ वाला संकट हो गया। माँ ने कहा घर छोड़ दो, तुम्हारी माँ ने कहा घर से जाने का ख्याल छोड़ दो, और पारो ने दिल ही दिल में कहा घर को पराया समझना छोड़ दो। हाय, मेरी बोतल का है। पागल। माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। अरे रुको तो, क्या हुआ? मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए। नहीं माधवी जी, प्लीज रुकिए ना। मेरा मतलब है कोई कहीं नहीं जाएगा, मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है माँ? क्या सोचा है? पूछा जग राता, जगराता। अच्छा जगराता। हाँ आज जगराता है। जगराता आज रात, और आपने बताया भी नहीं। मुझे काम से फुर्सत मिलेगी तब बताऊंगी ना। जब तू होती तो मुझे याद नहीं रहता, और जब याद आता है तो तू नहीं रहती है। अब याद भी है और तू भी है, बता दिया आज जगराता है। माँ लेकिन आज रात जगराता है, इतनी सारी तैयारियां एक साथ कैसे? अरे मेरी बात हो गया हमारी सोसाइटी के लोगों से, नीचे क्लब हाउस पे सब तैयारी हो जाएगी। हाँ काम बहुत है और तुझे ऑफिस जाना भी जरूरी है। ठीक है मैं अकेले सब करूंगी, मेरे से जैसे होता है जैसे तैसे। अरे? जैसे होता है तो अकेले? अकेले क्यों, मैं हूं ना, एक और एक ग्यारह, और वैसे भी हम दोनों मिलके मम्मी जी हल्दी घाटी की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। इसे जाने दो ऑफिस, अगर ये ऑफिस नहीं जाएगी ना तो इसको ऑफिस चील उड़ा के ले जाएगी। क्यों? और वैसे भी काम जरूरी है, मम्मी की हेल्प कराना थोड़ी जरूरी है। मेरे लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, और मैं क्या करूंगी क्या नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे मेरे लिए। ओ हेलो मिस अकड़ू, ज्यादा गर्म मत हो, क्रोध में लिया गया फैसला गलत ही होता है, तो शांत बालिके शांत। गलत अबीर,
तुम जो मुझे इतना तंग करते हो ना, उस गुस्से में लेवा मेरा हर फैसला सही होता है, जैसे तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का मेरा फैसला था। ओ हेलो, इसमें बहस करने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे इसी फैसले ने ना मेरी जिंदगी को परफेक्ट बना दिया। यार राइट अमीर, माँ मैं सत्तू सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। और बुआ को तो आपने बताया ही नहीं होगा, है ना? भूल गई होंगी तो मैं उनको भी कॉल कर देती हूँ, ठीक है? एक मिनट में आई और फिर सारी तैयारियां साथ में करेंगे। अब सब कुछ ठीक होगा माधवी जी। लेकिन वो अभीर के डैड को। चल मॉम, कर देंगे उनको इन्फॉर्म। जहां तक मुझे याद है तुम तो बड़े जोश और खरोश से कह रहे थे, मुझे वादा दे रहे थे कि बड़ी आसानी से तुम मेरे बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दोगे। क्या हुआ, क्या हुआ है? क्या तुम्हारे घर में इतनी भी तुम्हारी इज्जत नहीं कि तुम्हारी वहां कुछ चलती है? कुबेर साहब, अगर आप मुझे इज्जत का ताना देके दर्द देना चाह रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। कमाल डायलॉग लिखा जिन्हें लिखा है। और रही बात आपके बेटे की, एक बात बताऊं सर आपको, मैं हम ना आयुर्वेदिक चाले चलते हैं, क्या प्रॉब्लम को दबाया नहीं जाता, जड़ से खत्म किया जाता है। आपको शायद पता नहीं, मेरा बेटा टिल्लू मेहर के भाई टुन्नू को बहुत बड़ा जुआरी बना रहा है। एक बात बताइए, इस सब में मेरा क्या लेना देना? आपसे ना सही, आपके बेटे से तो है लेना देना। टुन्नू को जुआ खेलने के लिए पैसे तो अबीर ही देता है ना आपका बेटा, कच्चे माल की सप्लाई वहीं से हो रही है, समझ रहे हैं ना आप? और जैसे टुन्नू सब कुछ हार के फंस जाएगा, सबको बताएगा कि मैं फंस गया हूँ भाई, सब कुछ हार गया हूँ, तब हंगामा, सारा इल्जाम आपके बेटे पे कि टुन्नू को इसने बिगाड़ा है जुआ खेलने की लत, इसने डाली पैसे दे दे के, फिर आपके बेटे अबीर के पछाड़े पे लात, मतलब उसको हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और फिर अबीर और मेहर की कम से कम 3 जन्म की दुश्मनी की गारंटी पक्की। कैसे बाप हो तुम, घटिया खेल में तुम अपने बेटे को यूज कर रहे हो? कुर्बानी, अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा हूं आपके बेटे के लिए, और आप भी उसको जाया थोड़ी जाने दोगे, ऐसा तो बहुत मामूली चीज है आपके लिए, आप 10-1 लाख रुपए तो दे ही दोगे, मुझे मालूम। शाम, जिस दिन मेरा बेटा तुम्हारे घर से बाहर आ जाएगा ना, 10 क्या मैं 15 दे दूंगा, बस मेरा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे घर से बाहर आ जाना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, और उनसे पेशतर आपकी सर्विस देके मैं आपको वाउचर बना के देता हूँ 15 लाख रुपए का, बस। तथास्तु। सही है, अभी जी दिखाई नहीं दे रही है, अच्छा मेयर क्या गई होंगी ना वो तो। Thank you.
सुमन जी, आपको सच में लगता है इस सब से कुछ हो पाएगा? देखा नहीं आपने कितने नाराज थे एक दूसरे से दोनों? ऐसा लग रहा था कच्चा खा जाएंगे एक दूसरे को। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अबीर और मेहर कभी भी एक हो पाएंगे। कमाल है माधवी जी, आपकी अनुभवी आंखों ने भी धोखा खा लिया ना। अरे आपने सिर्फ लड़ाई देखी उनकी, लड़ाई के पीछे का प्यार नहीं देख पाई। मैंने देखा है माधवी जी, और उस प्यार को बाहर निकालने के लिए एक छोटी सी शरारत भी की है। क्या? किचन में और बहर के रूम में कुछ रखा है मैंने। रियली सॉरी मेहर, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। अबीर, मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाई और सबके सामने कुछ ज्यादा ही बोल गई। सॉरी। अबीर? मैं सॉरी काट ये आप देखिए कैसे पिघल जाते हैं दोनों। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि ठीक है, हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। चलिए, कहां चलिए तो सही, आइए मेरे साथ। कुछ चाहिए? हाँ, पानी ले लूंगा। कुछ मदद करूं? नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं कर लूंगी। खीर बना रही हो? खीर चावल की, अबीर को पसंद है, बना रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है एक शरीफ इंसान की तरह अबीर ने उससे माफी मांगी। That's all. वो अभी सब कैसे हुई आप मत सोचिए ना, बस ये देखिए ये दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का गला पकड़े बगैर शांति से रह ले, फिर देखिए सब कुछ कैसे बदलता है। यार भाई सुन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? यार कैसी बात कर रहा है यार, तेरे को भाई पे भरोसा नहीं है? भाई पे भरोसा नहीं तेरे को? और तुझसे ज्यादा टेंशन ना मुझको है उस रिंग की। भाई इससे अच्छा और बिना रिस्क वाला तरीका मेरे पास और कोई नहीं है बस। लेकिन यार लास्ट टाइम भी तूने ऐसे ही बोला था, देख फिर क्या हुआ? यार अब एक बार तो कोई भी फेल हो जाता ना भाई। टेंशन मत ले, देख कल राखी है ठीक है, रिंग वापस करने के साथ साथ कोई अच्छा सा मस्त गिफ्ट लाके दे दीदी को, समझा? लेकिन भाई इस पेपर पे सिग्नेचर करवा दीदी के, बहुत जरूरी है। भगवान करे आपका ये भरोसा सच निकले। लेकिन एक बात कहूं, ये कोशिशें आपकी है, सिर्फ आपकी। अगर ये कोशिशें इनकी होती ना तो बात बनती। आपकी कोशिश इन्हें थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के पास जरूर ला सकती, लेकिन हमेशा के लिए एक दूसरे के पास रहने के लिए इनकी कोशिश होनी चाहिए।
उस चीज को जोड़ने के लिए जो इनके बीच टूटा है। ये है ना जोड़ने वाली, बस अब हमारे बच्चों को बीता हुआ कल बुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। नाथवी जी, मेरा भरोसा है मां पर, और अगर मेरा भरोसा छोटा नहीं होगा तो मां ही मुझे रास्ता दिखाएगी। मेहर और अभी से साथ इनकी आरती कराने का, साथ इनकी आरती करने का, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया ना तो मैं मेहर की मां और अभी की सास नहीं। लगी शर्त? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।